News 18, India. पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है। थोड़ी देर में इस पर वोटिंग होगी। विश्वास मत पर बोलते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। तो ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चंपाई सोरेन सरकार ने सदन में अपना विश्वास मत प्रस्ताव रखा है और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जबकि विधानसभा में इस वक्त वोटिंग चल रही है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विश्वास मत की तस्वीरें देख रहे हैं। वो विश्वास मत प्रस्तुत करने के दौरान जो वोटिंग होती है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 41 है और ऐसे में जेएमएम जो गठबंधन है उनकी ओर से अगर 41 का आंकड़ा छू लिया जाता है तो जाहिर तौर पर ये जो सरकार है चंपाई सोरेन की वो बनी रहेगी, अन्यथा इस सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। इस वक्त झारखंड विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। विश्वास मत का प्रस्ताव पहले ही चंपाई सोरेन रख चुके हैं और इससे पहले हेमंत सोरेन का संबोधन भी हुआ था जिन्हें कोर्ट की ओर से स्पेशल परमिशन मिली थी और वो पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि मैं झुकूंगा नहीं, वोटिंग होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग में हम जीतेंगे, विश्वास मत हमारी ही ओर होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। झारखंड विधानसभा में इस वक्त वोटिंग जारी है और झारखंड सरकार यानी कि चंपाई सरकार को आज अपना विश्वास मत जो है वो पेश करना होगा और ऐसे में 41 जो बहुमत का आंकड़ा है मैजिकल फिगर है और उसको अगर चंपाई सोरेन की सरकार टच करती है तो सरकार बनी रहेगी। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, झारखंड विधानसभा में वोटिंग जारी है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मत विभाजन से पहले जो बेल बजता है वो बज गया है, थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो सकती है यहाँ पर। और समझिएगा कि यहाँ पर सरकार को सत्ता पक्षों से पूरी उम्मीद है, पूरा दावा है कि सरकार जो है जो विश्वास मत है उसे हासिल करेगी या बहुमत हासिल करेगी। और देखिए यहाँ पर यह भी है कि सरकार के पास जो कह सकते हो बहुमत का दावा है उतने विधायक ऑलरेडी सरकार के पास हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास इसमें जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, 17 कांग्रेस के हैं, तो 29-17 जोड़ते हैं तो 46 का जो आंकड़ा है वह ऐसे ही हो जाता है। एक जो यहाँ 41 आपका मैजिक आंकड़ा है, मतलब 41 चाहिए आपको बहुमत के लिए और सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस को जोड़ने पर 46 होते हैं। एक आप भाकपा माले का जोड़ लीजिए, एक और विधायक जो कि आपको विनोद सिंह है, आंकड़ा 47 होता है। फिर एक आप सत्यानंद भोक्ता जो राजद के विधायक हैं, आंकड़ा 48 होता है। लेकिन इसमें एक विधायक जो है रामदास सोरेन जो कि बीमार होने के कारण अपना मत नहीं दे सकते हैं, लिहाजा सरकार को कहीं भी बहुमत आने में परेशानी नहीं हो। बनस्पत की अगर फ्लोर पर कुछ चमत्कार ना हो जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सामान्य तौर पर कुछ भी होने में बहुमत हासिल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी संजय, लोबिन हेब्रम्स चमरालिंडा तो तस्वीरें ही आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। चंपाई सोरेन को बहुमत का आंकड़ा छूना है और ऐसे में विश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद अब वोटिंग जारी है। अब बड़ा चैलेंज यह है, हालांकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस मिलाकर जो मैजिकल फिगर है उसे टच कर लेंगे, यानी कि चंपाई सरकार जो है वो बनी रहेगी। जो तमाम नाराज विधायक हैं वो पहुंचे हैं, हालांकि एक विधायक ऐसे हैं जो कि बीमार होने की वजह से पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन हालांकि एक विधायक अगर वोटिंग की प्रक्रिया से दूर भी रहता है तब भी जो बहुमत का आंकड़ा है जेएमएम उसको टच कर लेगी, चंपाई सरकार उसको छू लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चंपाई सरकार जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल में आ सकती है और यह सरकार गिर भी सकती है। ये लाइव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा की। और ऐसे में एक बार फिर से संजय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। संजय, जो नाराज विधायक चल रहे थे मसलन लोबिन अब्राम चमरालिंडा और सीता सोरेन, क्या ये भी पहुंचे हैं? देखिए यहाँ पर सर की तमाम विधायक जो है सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। लोबिन हेब्रम मान गए हैं सिबू सोरेन से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा कि अब कोई नाराजगी नहीं है, सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। सीता सोरेन भी सरकार के पक्ष में ही वोट करने की उम्मीद जताई जा रही है। चंपाई सोरेन भी सरकार के पक्ष में ही वोट करने के वोट कर सकते हैं, चूंकि तमाम डैमेज कंट्रोल सदन में पहुंचने से पहले कर लेने का दावा किया गया है। अभी देखिए इस समय जो खबर आ रही है कि 47 विधायक जो है पक्ष में खड़े हैं मनोनीत सदस्य को चुनकर, मतलब सरकार के जो विश्वास मत जो दिया गया प्रस्ताव दिया गया है, मतलब बहुमत में 47 विधायक खड़े हैं। इतिहास चाहिए 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29
मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये सब की ब्रेकिंग न्यूज, चंपाई सरकार बनी रहेगी। चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 47 का आंकड़ा, मैजिकल फिगर 41 था और 47 का आंकड़ा चंपाई सरकार की ओर से छू लिया गया, और ऐसे में चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल करते हुए अब चंपाई सरकार जो है वो बनी रहेगी। हालांकि दावा इस बात का किया जा रहा था कि संभावना इस बात की है कि वोटिंग के दौरान संभव हो ऐसा हो कि कुछ विधायक टूटे हो या कुछ विधायकों ने अपना मन बदल लिया हो, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर, चंपाई सरकार बनी रहेगी क्योंकि चंपाई सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान विश्वास मत हासिल कर लिया है। 41 मैजिकल फिगर था, लेकिन चंपाई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं जो कि 41 से 6 वोट ज्यादा है।